हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको। और आज जो मैंने अपने फ्लावर से अपनी जो मैरीगोल्ड की वो तैयार करके उसको लगाऊंगी और उसके अपडेट आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ये भी मैं इसमें से भाग ले रही थी, मेरे को पता नहीं है कौन से फ्लावर हैं, मतलब मैं मंदिर से लेके आई थी। और ये मैंने एक उसमें वेस्ट था डिब्बा था, उसमें पहले कोई और प्लांट लगाया था और उसमें मिट्टी पहले ही से गीली कर ली और उसके बाद मैंने इसमें प्लांट को, जो मिट्टी पहले गीली करने का फ़ायदा ये होता है कि उसके बाद जो हम पानी देते हैं जो हमारा प्लांट है वो बिल्कुल भी हिले डुले कर ले। और ये एक और वेस्ट है मेरा, इसमें भी मैं अब लगाऊंगी तो एक एक करके मैं सारे लगाऊंगी। ये नहीं है कि मैं इसमें नहीं छोड़ूंगी, एक दो को मैं इसमें अभी फिलहाल मैं चार प्लांट लगाऊंगी और उसके अपडेट भी आपके साथ। वैसे थोड़े बच्चे हैं, ये एक वेस्ट था मेरे पास, एक प्लास्टिक की बाल्टी पड़ी थी जो कि मतलब कंठ सीमेंट में धसी हुई थी और इसमें मैंने मिट्टी भर के इसमें मैं इसको लगा रही हूँ। इसके बाद इनकी जो अपडेट हो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये एक मेरा पॉट था, खाली हो गया था, वैसे इसमें मैंने कटिंग से जो है प्लांट ग्रो किया था, बहुत ही अच्छा चल गया था। विंका का प्लांट था मेरा और जो बच्चों ने है उसको उखाड़ दिया। मैं इसके दो दो पीस लगाती ताकि कोई एक मर जाए तो दूसरा तो चल जाएगा। ऐसे होल क्या उंगली से, गिल्ली मिट्टी है आसानी से होल हो जाएगा। और मिट्टी को ना ऐसे दबा देना ताकि उसमें एयर सर्कुलेशन ना बने और जिससे हमारा प्लांट की जड़ों तक एयर ना पहुंचे और वो आसानी से चले जाए। देखो तो पानी जस्ट मैंने अभी अभी दिया था, अभी भी मिट्टी को गीला किया था तो ये धीरे धीरे से अपने आप मिट्टी है जो पानी को सोख लेगी। इसमें ये वाला डाल, एक इसमें लगा देती हूँ। इसमें मैंने ये स्नेक प्लांट की कटिंग ग्रो की है, एक जो पत्ते से मैंने ग्रो किया था तो इस टाइम पर